सोनहत विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनहत के आश्रित ग्राम खुटरा पारा निवासी सूर्यवंशी समाज के लोग शमशान घाट में हुए अतिक्रमण को लेकर काफी चिंतित है, क्योंकि उनके समाज के शमशान घाट पर कब्जा हो चुका है। समाज में किसी की भी मृत्यु पश्चात अंतिम संस्कार के लिए अब समाज के लोगों के पास जगह नहीं बची। सूर्यवंशी समाज के लोगों का अतिक्रमण हुआ शमशान घाट 100 से 150 साल पुराना बताया जा रहा है। यह स्थान रहवासी इलाके से 1 से 2 किलोमीटर दूर जंगल में स्थित है। ये भूमि वन विभाग अंतर्गत आता है, जो वन विभाग के सरकारी रिकॉर्ड में भी सूर्यवंशी समाज का शमशान घाट दर्ज है बताया जा रहा है। उसके बाद भी दूसरे विकास खंड से आकर बाहरी व्यक्ति द्वारा लगभग 5 से 10 एकड़ वन भूमि में कब्जा करते हुए शमशान घाट को भी नहीं छोड़ा, उसे भी कब्जा कर लिया गया। वन भूमि कब्जा कर उसे खेत में तब्दील कर धड़ल्ले से खेती कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, घुनघुट्टा जलाशय से निकली नहर का एक छोर नाला इस शमशान घाट के बगल से होकर गुजरा। इस नाले का आकार तो बड़ा है, लेकिन अतिक्रमणकारी व्यक्ति ने जहां जहां वन भूमि में खेत का निर्माण कराया वहां इस नाले का आकार एक नाली के समान दृश्य हो रहा है। इस कारण कहीं न कहीं सूर्यवंशी समाज के लोगों के साथ साथ नाले से लाभान्वित किसानों को भी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब देखना होगा कब तक सूर्यवंशी समाज लोगों की इस समस्या से निजात मिलती है या फिर स्थिति जश की तश रहती है। सर के यहाँ से शमशान घाट के लिए हमको बहुत भारी दिक्कत हो रही है। यहाँ जो शमशान घाट जो था अपना, वहाँ से दूसरा व्यक्ति आकर के पूरा खेत बना दिया है ना। कोई का मृत्यु भी होता है तो उसको जलाने के लिए उस खेत पे ही जलाना पड़ता है, तो उससे उनको दिक्कत आता है कि क्यों हमारे खेत में जलाया जाता है। और ये कम से कम नहीं तो 100 साल पुरानी यहाँ पे यानी कि शमशान घाट यानी कि अपने सूर्यवंशी समाज का है, जिसमें पूरे गांव के लोग आके यहाँ पे वो मुर्दा ला के यहाँ पे जलाते हैं, और जलाते हम लोग भी जान रहे हैं और हमारे दादा पूर्वज भी यही करते थे। यही समस्या है यहाँ की। कोरिया छत्तीसगढ़ कविराज विश्वकर्मा की रिपोर्ट।